किसान भाइयों नमस्कार। ये देखेंगे आप मेरे सामने, आप देख रहे होंगे ये उड़द है, उड़द की फसल, उड़द बोए थे ये। और देखेंगे इनका पकने का टाइम है, अभी कम से कम 15 दिन और लेंगे, पकने शुरू होंगे 15 दिन के अंदर। और कुछ फलियाँ देखो इसमें पकनी शुरू होगी, काली जो फली हो रही उड़द। किसान भाइयों बताऊँ, ये कम जब बरसात ख़त्म होती है, ख़त्म होने वाली होती है, तो कुछ दिन जैसा बरसात नहीं होती तो उसमें खेत बता हुआ जा, और फिर किसान जो है टाइम मौका देख कर जब ज़मीन बता हुआ जाती है तब उसमें उड़द बो देते हैं। यदि उड़द बो देने के बाद बारिश हो जाए तो इसने बीज को निकलने में बहुत दिक्कत हो गई, और ये टाइम मिल गया था थोड़ा किसानों को, तो ये उड़द बो दिए। आपको बता दूँ कम से कम अगर नॉर्मली आप इसे छावे से दूर अगर लगावे तो ये 1 बीघा में कम से कम 1 क्विंटल आराम से पैदावार हो जा, यदि कोई खाद दवाई वगैरह ना करें इनकी। अब देखेंगे आप, ये बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई बीमारी नहीं आई हुई। कुछ पहले इसमें देखो पत्ते खाए हुए, स्प्रे कर दिया था सुंडी का, लेकिन अब जब ठीक है, फल भी अभी ठीक आ रहा है इन पर, जितना फूल आना था सब आ लिया। अब जब जो फलियाँ हैं उनका पकने का नंबर है, देखेंगे कितने बढ़िया खड़े उड़ा। ये देखियो हरी फलियाँ अभी छोटी हैं, 10-15 दिन बाद सारी ये मैच्योर हो जाएंगी और फिर ये पकना शुरू हो जाएगी। ये देखेंगे आप, कम से कम ये 3-4 बीघे का खेत है, सारे में उड़द है और साइड में है गन्ना। किसान भाइयों जो उड़दों का रेट है आमतौर पर 6,000 से 7,000 रुपये क्विंटल हुए, अगर इनमें बीमारी ना आवे या आवारा पशु जो है नील गाय वगैरह या जंगली पशु उनसे अगर बचे रहे तो पैदावार ठीक ठाक निकल जाए इनकी। ये देखो बढ़िया है, अगर 5-7 बीघे हों इसमें न घर का काम चल जाए किसानों के, बाजार में से लेना नहीं पड़ता उड़द या कोई भी वैसा मूंग वगैरह की दाल हो इस तरह से। ये देखो बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है अभी, बढ़िया खड़े उड़द। किसान भाइयों अरे इनका एक हो रहा है देसी जुगाड़, अगर आपके इसमें कोई आवारा पशु चर रहा है ना रात को, इनमें बहुत लगते हैं नीलगाय वगैरह, तो आप इसमें घोल उनका गोबर वगैरह का घोल मिक्स करके इन पर छिड़काव कर सके झाड़ू वगैरह से, जिससे इनके पत्ते पर वो चिपक जाए, तो इससे क्या है कोई जंगली जीव हो या आवारा पशु हो सांड हो गोर वगैरह इन्हें खा नहीं पाते, आपकी जो उड़द है वो फसल झुकी तो रहेगी, या आप किसी पेस्टिसाइड से ला के कोई दवाई ला के वहाँ पर बदबूदार वो गाड़ सकते हैं इसमें बीच में लगा के कॉटन वगैरह में, जिससे जो इन्हें जिससे इस फसल को खतरा हो वो जो है जीव जंतु वो दूर रहे इनसे। किसान भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर करें, अपना ध्यान रखें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, राम राम।